नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सौर्य। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिम पे, जहां पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है मार्केट इंडेक्सेस सेंसेक्स की। तो भाई कल जो ट्यूजडे था उसमें मार्केट 53 पॉइंट्स नीचे खिसकी थी और आज वेडनेसडे को लगभग लगभग 334 पॉइंट्स नीचे खिसकी है मार्केट। और जो मैं कल बता रहा था आपको कि 52,000 जो पॉइंट था उसको टच करके पार कर चुकी है, तो आज 52,000 के नीचे आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे खिसकने वाली है या फिर ऊपर जाने वाली है? अपने कमेंट और व्यूज जरूर शेयर करें। अगली एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई कल मैंने न्यूज में कवर किया था कि गवर्नमेंट ने सारे वैक्सीन की जो पर डोज थी उस पर कैप लगा दिया है 150 तक का। और अभी उन्होंने पर जो कोविशील्ड की थी वैक्सीन और कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी, जितनी भी तीनों तरह की जो वैक्सीन है जो इंडिया में अवेलेबल है अभी, उन पर कैप लगा दिया ताकि वो पर डोज चार्ज कर सकें प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और उन्होंने जो चार्ज लगाया है उसमें चार्ज बता दूं आपको, तो कोविशील्ड का जो चार्ज है वो है 780 रुपये और कोवैक्सीन का जो चार्ज है वो है 1410 रुपये। और स्पुतनिक वी जो कि डॉक्टर रेड्डीज लैब जो बना रही है उसका जो वैक्सीन का दाम है वो है लगभग 1145 रुपये। और जो मैंने कल 150 रुपये का जो कैप बताया था वो एज ए सर्विस चार्ज हो गया और उसी में GST भी 5% इंक्लूडेड है। तो मैक्सिमम जो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं या फिर ये जो लिमिट लगाया गया कैप इतना ही तक कर सकते। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों रैली गियर इंटरप्राइजेस की, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट किया है कि वो लगभग 570 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाले हैं अपने प्रीफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करके। और वो जो ये फंड रेज करने वाले हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करेंगे, जिनका जो पर शेयर का प्राइस है वो है लगभग 105.25 पर शेयर। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो भाई वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बूस्टअप देखा है लास्ट 2021 तक, और उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि इकोनॉमी ग्रो कर सकती है लगभग 8.3% तक। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट किया था कि फाइनेंशियल ये 2022 में ये जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है वो लगभग 10.1% तक ग्रो करने वाली है। और वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इसका भी प्रोजेक्शन रेट किया है जो कि लगभग है 5.6% टिल 2021, मतलब 2021 तक ये लगभग 5.6% तक रह सकता है। अगली एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही दोस्तों सॉफ्टबैंक ग्रुप की तरफ से। तो भाई वो अभी वॉटफिक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं लगभग $90 मिलियन का, और इसके बाद जो वॉटफिक्स है उसकी जो वैल्यूएशन है वो 3 times जंप मारी है और पहुंच गई है लगभग, उनकी जो पोस्ट वैल्यूएशन बनी है अभी वॉटफिक्स की वो है लगभग $500 मिलियन, मतलब कि हाफ यूनिकॉर्न वो बन चुके हैं। और वॉटफिक्स क्या है? तो वॉटफिक्स एक SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको नहीं पता कि SaaS प्लेटफॉर्म क्या होता है या SaaS क्या होता है तो मैं आई बटन में लिख दे रहा हूँ, आप जाकर देख लेना, वहाँ मैंने इंडेक्स में बताया है कि SaaS क्या है या कैसे काम करता है। और मैं बता दूं आपको SaaS जो है एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है, तो वहाँ मेरी जो केस स्टडी बनी हुई है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि ये SaaS कैसे काम करती है और क्लाउड कंप्यूटिंग हम किसे कहते हैं। तो आप जाकर आई बटन में चेक कर लेना, आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगा। और वैसे अगर हम बात करें तो सॉफ्टबैंक की तरफ से बात चल रही थी कि वो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो भैया उन्होंने तो किया नहीं अभी तक फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट, और ना ही कोई बात निकल के आई कि वो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अफवाह निकल के आई थी र्यूमर से बेसिकली, लेकिन यहाँ पर वॉटफिक्स में इन्वेस्टमेंट ले लिया है सॉफ्टबैंक से $90 मिलियन का। अगली एक अच्छी न्यूज निकल के आई दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई गवर्नमेंट ने भी मार्क किया है लगभग 700 बिलियन का, और वो भी खर्च करने वाले हैं इस पे हमारे इंडिया में जो पुअर लोग हैं और जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं जिनमें वो नवंबर तक इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें उनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा फूड्स में और मेजरली वैक्सीन में, और इससे मिलियंस ऑफ लोगों को इंडिया के अंदर फायदा होने वाला है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों अमेजोन की तरफ से। तो अमेजोन की जो वेब सर्विसेज थी वो भी प्लान कर रहे हैं कि वो अपना एक और फर्म खोलने वाले हैं डाटा सेंटर्स का स्पेनिश के अंदर, और इसके लिए वो लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लगभग 10 साल में, और उनका जो ये फर्म जो बने वाला है वो लगभग mid-2022 में बन जाएगा। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों टाटा डिजिटल की तरफ से, जो कि एक सब्सिडरी फर्म है टाटा सन्स की। तो अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है हेल्थ केयर स्टार्टअप में जिसका नाम है क्योरफिट, और उन्होंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो लगभग $75 मिलियन का। और वहीं पे एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों टाटा डिजिटल की तरफ से। तो हाल ही में बात निकल के आ रही थी कि वो हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज कंपनी जो है डंजो, जिसे हम जानते हैं कि गूगल भी बैक करते हैं और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो बात निकल ये आ रही थी कि टाटा डिजिटल जो है डंजो को खरीद सकता है, बायआउट कर सकता है। तो उसी के रिस्पॉन्स में डंजो ने ये कहा है वी आर नॉट अप फॉर सेल। अब डंजो का ये कहना है कि भाई हमको बिकने का कोई शौक नहीं है, और मुझे लगता है उन्होंने बेसिकली ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो काफी स्ट्रगल से गुजर चुके हैं, और एक टाइम पे वो उनका टाइम तो ऐसा हालत हो गया था कि वो लगभग 90 से 100 इन्वेस्टर्स के पास गए थे और सभी ने उसे फंड देने से मना कर दिया था, और उनकी कंपनी डूबने वाली थी कि तभी उसमें गूगल ने फंड किया था तभी कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर सकी थी।
और अगर आपको उनका स्टोरी जानना है डंजो की कैसे फॉर्म हुआ था और कौन सी सर्विसेज में वो काम करती है, वो बेसिकली मैं बता दूं हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज में काम करती है, जिसमें कि अगर आप आजू बाजू के आपके जो दुकान स्टोर्स वगैरह होते हैं उसमें से आपको वहां से कुछ सामान ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर आप अपने इवन ऑफिस में हो और आपको कुछ पर्स वगैरह वॉलेट वगैरह या लंच बॉक्स वगैरह आपको आपके घर पे है और आप उसे मंगाना चाहो तो डंजो उसके लिए भी आप डंजो को उसके लिए भी अपॉइंट कर सकते हो और वो आपका काम अच्छे से कर देगा। तो इस तरह की वो हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो उनका केस स्टडी भी मैंने बनाया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप जाके देख लेना, आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों रिटेलर्स की तरफ से। तो भाई रिटेलर्स ने अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है उनका, उसमें लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर का उनको लॉस हुआ है, और ये जो उनको लॉस हुआ है दोस्तों 25 से 30 बिलियन डॉलर का वो रेवेन्यू के टर्म में हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है कुमार राजगोपालन जी, तो उनका यही कहना है। अगली एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों जोमेटो की तरफ से। तो भाई यार सबको पता ही होगा कि जोमेटो का जो आईपीओ है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, और उन्होंने अपने सीएफओ जो कि जिनका नाम था आकृति चोपड़ा, तो वो अब जोमेटो की फाउंडर कहलाएंगी अहेड ऑफ आईपीओ। अब आईपीओ का लॉन्च होने वाला है जिसका प्लान जो है लगभग सक्सेसफुल दिख रहा है हम लोग को, तो देखते हैं इनका आईपीओ कितना हिट होने वाला है और अपने ये जो सीएफओ है उनको एज अ फाउंडर ट्रीट करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगली एक बहुत ही आश्चर्यजनक न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। तो कोर्सेरा जो है ग्लोबल स्किल्स की रिपोर्ट अभी निकाली है 2021 में, जिसमें उन्होंने इंडिया को रैंक किया है लगभग 67 पे, वो भी ग्लोबली। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथ में और मशीन लर्निंग में तो इंडिया अच्छा है, लेकिन अगर बात करें वही डाटा साइंस के लेवल पे तो उसमें बहुत ही ज्यादा नीचे। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। तो भाई वो अब पार्टनरशिप कर रहे हैं वीजा से, ताकि उनके जो बैंक्स के क्लाइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट में जो बैंकिंग की जो पेमेंट ट्रांजेक्शन होती थी वो अच्छे से कर सके और ग्लोबली कर सके। अगली न्यूज निकल के आ रही है रिफाइन स्टार्टअप की तरफ से, जो कि एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहां पर इम्प्लॉयर्स जो है अपने इम्प्लॉय को जैसे भी वो रखते हैं, जैसे मान लो क्वार्टरली बेसिस पे या फिर फ्रीलांसिंग बेसिस पे, तो वो पैसा देने का उनको जोड़ जाड़ जो होता है उसके हिसाब से वो ये रिफाइन सर्विस जो प्रोवाइड करती है अपनी सर्विस। तो उन्होंने अभी फंडिंग रेस किया है लगभग 60 मिलियन डॉलर का अपने सीरीज ए राउंड में। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों एआई बेस्ड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म सिप्लाई की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी फंड रेस कर दिया है लगभग 1 बिलियन डॉलर का, और उन्होंने जो फंड रेस किया है वो N+1 कैपिटल से रेस किया है। अगली एक और फंडिंग से न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है ग्रीन जोलस, जो की एक बेसिकली ग्रीन एनर्जी कंपनी है। तो उन्होंने भी फंड रेस कर लिया अपने सीरीज ए राउंड में, वो लगभग 4.5 मिलियन डॉलर का। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रेक्शन की। तो भाई ये अंदाजा लगाया गया है कि इंडिया जो है जीडीपी के टर्म में लगभग 5-7% हर साल लॉस करता है, वो भी जंग के मामले में, पॉइजन के मामले में, और ऐसा कहना है हमारे इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन का। और अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ से। तो भाई वो मई में राइज किया है लगभग 5.30% का, जो कि आरबीआई के रियलाइजेशन से काफी कम है, क्योंकि आरबीआई ने ये रियलाइज किया था कि ये 2-6% तक रह सकती है। और ऐसा ये इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हम सब ये देख रहे थे कि अप्रैल के महीने की जो पहले टाइम चल रहा था उसमें काफी ज्यादा इलेक्शन चल रहे थे, और इलेक्शन खत्म होने के बाद जो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह के जो कमोडिटीज के रेट जो काफी ज्यादा हाई हुए हैं, उससे ज्यादा जो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टिंग से हमारे पास जो सारे सामान आते हैं वो पेट्रोल डीजल वगैरह से ही ट्रांसपोर्ट के द्वारा आते हैं। तो उनमें अगर जब बढ़ोतरी होगी तो सीधी सी बात है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे फाइनल प्रोडक्ट्स, उसमें भी रेट बढ़ोतरी में ही मिलेगी। अगली एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की तरफ से। तो भाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग बढ़ा है 52.39% से, जो कि लगभग है 7.71 बिलियन डॉलर का। ये जो डाटा निकल के आ रहा है दोस्तों वो है जून के फर्स्ट वीक का। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया के इंपोर्ट्स की, इंडिया ने कितने का इंपोर्ट किया है, तो उसमें भी अच्छा खासा राइज देखने को मिला है, जो कि है लगभग 83% का, और उसका जो अमाउंट है वो है लगभग 9.1 बिलियन डॉलर। तो ये तो इंडिया में होना ही था, क्योंकि इंडिया जो ज्यादातर इंपोर्ट करती है ज्यादातर सामान, लेकिन अभी जो इनका एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा राइज देखने को मिला है। तो ऐसे भी इंडिया जो है हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें ये लाजमी है कि ये होना ही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की बिजनेस यही पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपने व्यू जरूर शेयर कीजिए। बाकी मेरी अगली केस स्टडी जो आने वाली है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लास्ट माइल डिलीवरी ईवी स्टार्टअप है, तो वो केस स्टडी आपको कल सुबह 9 बजे तक लगभग मिल जाएगी। तो आप जरूर बने रहिएगा डिस टाइम पे सुबह 9 बजे कल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।